सो इस टॉपिक के अंदर हम विंडोज़ को प्लेस करना सीखेंगे, जिस तरह प्रीवियस टॉपिक में हमने डोर्स को प्लेस किया है, सेम मेथड है। इसमें ऑलरेडी मैंने ब्रिज की हुई है, विंडोज़ की जगह मैंने बनाई हुई है, क्योंकि ऑलरेडी एक टॉपिक आपका हो चुका है विंडोज़ की। आप जब अगर जाएं जिसमें हमने स्पेसेस क्रिएट किए हैं, सो सेम मेथड से आप स्पेस क्रिएट करेंगे, सेम डोर्स की तरह विंडोज़ भी प्लेस हो जाएंगी। क्विकली हम इस टॉपिक को ओवर करेंगे। उसी तरह जो है हम टॉप वायर फ्रेम व्यू में जाके जो है विंडोज़ को प्लेस कर लेंगे, हाइट एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल सेटिंग्स भी हैं जिसे हम चेंज कर सकते हैं। अब विंडोज़ की ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं 3DS के अंदर। डोर्स की तीन थी, तो विंडोज़ की यू विल सी मोर देन 6-7 ऑप्शंस। तो आप सारी ऑप्शंस को उसमें से एक दो मैं पिक करूँगा, बाकी आपने खुद और फर्दर उनको मॉडिफाई के अंदर जाके हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं डोर्स की तरह विंडोज़ में भी। उसमें एक दो मैं आपको ऑपरेट करके दिखाऊँगा और बाकी आप खुद ऑपरेट करेंगे। सो बढ़ते हैं 3D Max की तरफ, ताकि हम फॉर्मली जो है वो विंडोज़ प्लेस करना सीखें। तो ये हमारे पास हमारी ड्राइंग है जिसके अंदर अब दो डोर्स लगाए हैं। अभी हम इसकी प्लेन भी लगा लेंगे, लगाना सिखाया है, और देन मटेरियल अप्लाई करेंगे तो ये और अट्रैक्टिव होती जाएगी। सो ये विंडो की मैंने प्लेस जो है वो क्रिएट की है। अगर हम यहाँ से इसको और से देखें, तो ये हमारे पास वॉल थी, तो हमने ड्राइंग रूम की जो है वो विंडो की स्पेस क्रिएट की है। ऊपर से भी ब्रिज किया है, नीचे से भी ब्रिज किया है, तो ये हमारे पास एक स्पेस है, और ये हमारे पास एक और स्पेस है। ये हमारे पास जो है वो इसकी फ़िलहाल हमने जो है वो हाइट 4 रखी है और इसकी 6 रख लिए। अब इट्स अप टू यू जितना आप चेंज करना चाहें। अगेन विंडो लगाने के लिए भी प्लेसेस मौजूद हैं, सो हम आल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हैं और हम टॉप वायर फ्रेम व्यू में जाते हैं। तो ये मेरे पास एक विंडो की स्पेस ये बिल्कुल बन भी चुकी है, और ये मेरे पास दूसरी जो है वो विंडो की स्पेस ये किचन वाली की भी बनी हुई है। फर्स्ट विंडो लगा लेते हैं हम। सो मेथड सेम है, स्नैप टूल हम यहाँ से ऑन रखेंगे, और यहाँ से वी कैन सी कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो प्रोजेक्टेड के ऑप्शन को हम क्लिक कर लेते हैं, और फर्स्ट जो है हम यहाँ से जिस तरह हमने डोर स्टार्ट किया स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट जो है वो हम प्रेस करके रखेंगे कर्सर, और यहाँ पे हम आके इसको ओके करेंगे, छोड़ देंगे और नीचे क्लिक करेंगे। मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि डोर में हमने एग्जैक्टली सेम पैटर्न में लगाया था। अब हमने यहाँ पर हाइट इधर भी चेंज कर सकते हैं, हम जाके रियलिस्टिक व्यू में भी चेंज कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके, और ये हम मॉडिफाई में अगर आ जाएँ, सो हम यहाँ से हाइट अगर हमने 4 रखी है तो इसको 4 feet कर लेते हैं। यू कैन चेंज दी हाइट। अब हम आल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हैं और वापस आते हैं जो है अपने रियलिस्टिक व्यू में। तो आप नोट करें विंडो हमारी अगेन दरवाजे की तरह आ चुकी है, और यहाँ पे जो है अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब हमने हाइट क्योंकि इसकी 6 थी तो हमने 4 रखी है, उसकी 4 थी, ये आप सेलेक्ट करके हाइट को यहाँ से 6 कर लें। सो ये ऑप्शन सारे मौजूद हैं। ये आप देखें हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, डब्ल्यू प्रेस करके एक्सेस ऑन कर लेते हैं, और ये नीचे वाले एक्सेस हमारे ऑन हो जाएं। अब हमने जहाँ से स्टार्ट करिए 3 feet नॉर्मली हमने ये इसका 3 रखा है नीचे वाला लेवल, सो 3 feet पर आप नोट करें खुद ब खुद विंडो जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। अब ये विंडो एडजस्ट हुई है तो इसकी सेटिंग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये उसका फ्रेम है, ये उसकी हॉरिजेंटल विड्थ आ रही है, आप इसको नोट करें ये चेंज हो रही है। इसके बाद हमारे पास उसकी वर्टिकल विड्थ भी मौजूद है, वी कैन चेंज दी वर्टिकल विड्थ ऑफ आवर फ्रेम। देन थिकनेस पे हम वर्क कर चुके हैं, रेल्स है। सो ये हमारे पास मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस मौजूद, और ओपन ये आप नोट करें इसमें भी ऑप्शंस मौजूद हैं। सो हम इसको ओपन भी कर सकते हैं और ये हमारी क्लोज भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स, ये आप चेक करें ये ओपन हो रही है क्योंकि हमने प्रोजेक्टेड टाइप सेलेक्ट की हुई थी, तो ये आप हम इसको लेट्स मेक इट 90 के ऊपर ले जाएं, तो ये आप चेक करें। सो ये हमारी विंडो जो है ओपन हो चुकी है। सो एक ऑप्शन हमारे पास ये वाली है। इसके अलावा जो है हम इसको थोड़ा सा यहाँ से देखें तो ये नीचे से ओपन हो गई है। सेकंड विंडो भी हम प्लेस करके देख लेते हैं। अगेन हम आल्ट डब्ल्यू प्रेस करके और व्यू में जाते हैं, टॉप वायर फ्रेम, और ये हमारी विंडो थी जिसकी हमने कहा था कि 4 feet की जगह हमने दरमियान में छोड़ी है। और इसको हम स्लाइडिंग करके देख लेते हैं, फर्स्ट क्लिक की और ड्रैग करके सेकंड यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हम, और इसकी हाइट अगेन लेट्स मेक इट 4 क्योंकि हमने 4 रखी है, और इट डिपेंड्स अगेन दिस इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, जितनी जगह आपने छोड़ी है। ये विंडो ये भी आ चुकी है,
सो ये मेरे पास हमारी विंडो जो है वो आ चुकी है। अब हमने जिस हाइट तक, यानी ये अपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली, जब हम ये बात करते हैं एक्सेस ऑन करने की, तो हमने क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है तो हमने इसको स्टार्ट पॉइंट बताना है कि ये वाला कॉर्नर कहाँ जाके एडजस्ट हो। इसको हम सिलेक्ट करके W प्रेस करके एक्सेस ऑन करके, अभी हमने 4 फीट रखा हुआ है, सो यहाँ पे हम इसको 4 फीट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो आसानी हो जाए। सो जैसे ही 4 फीट करेंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली विंडो जो है वो एडजस्ट हो गई है, प्लेस हो गई है। ये हमारे पास अगेन सेम ऑप्शन मौजूद हैं, आप हॉरिजेंटल विड्थ चेंज कर सकते हैं, आप इसकी जो है वर्टिकल विड्थ चेंज कर सकते हैं, थिकनेस चेंज कर सकते हैं, पैनल्स हम इसके बदल सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं ये आप नोट करें, पैनल्स हम बदल रहे हैं तो उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। सो इस तरह 2 विंडोज़ हमने लगा ली हैं। आई होप के बाकी आप खुद जो है वो ब्रिज की कमांड के बाद एडजस्ट करके बाकी सारी विंडोज़ खुद से लगाना सीख लेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जिस तरह डोर्स लगाना सीखे थे, तो हमने अपनी विंडोज़ प्लेस करना सीखी। ऑल्दो हमने 2 विंडोज़ ही प्लेस की हैं, बाकी डेफिनेटली आपने इसे लर्न करना है। अगेन आपको मेथड पता चल चुका है, विंडोज़ के ऑप्शन मौजूद हैं। सो आई होप कि आप अपने घर के अंदर मज़ीद तमाम जहाँ जहाँ विंडोज़ लगानी है वो कम्प्लीट करेंगे, और जितनी अच्छी विंडोज़ लगाते जाएंगे फिर हम मटीरियल भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं आगे जाके हम देखेंगे, तो उतना अट्रैक्टिव जो है हमारा आउटपुट होगा।